मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने राज्य के कई इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसमें ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी भारी बारिश का प्रभाव देखा जा रहा है। स्थिति को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से फोन पर बात की और प्रदेश की स्थिति के बारे में जाना। इसी के साथ उन्होंने ग्वालियर चंबल क्षेत्र में चल रहे रेस्क्यू कार्यों की भी जानकारी ली और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ बातचीत के बाद मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी और गुना जिले के कलेक्टर के साथ वर्चुअल बैठक की और स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्र में हुई हानि, व्यक्ति, पशु और फसल हानि की भी जानकारी ली और निर्देश दिए कि हर पीड़ित को राहत राशि मिलनी चाहिए। उन्होंने स्थिति बेहतर होने के बाद फसलों के सर्वे का भी निर्देश दिया है। मंत्री सिंधिया ने राज्य सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर और राजेंद्र शुक्ल को क्षेत्र का दौरा करने का भी निर्देश दिया है। बता दें, मध्य प्रदेश के 20 से ज्यादा जिले भारी बारिश से प्रभावित हैं। रुक रुक कर बीते 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। ऐसे में प्रदेश की नदियां, नदी नाले रपटे उफान पर हैं। कई जगहों पर लोगों के फंसे होने की भी खबरें आ रही हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग में भी भारी बारिश के चलते हालात खराब हैं। कई बस्तियों में जलजमाव हो गया है। बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है।